तो कांग्रेस विधायक करण दलाल का बयान सामने आया कि कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जुटी, इसे देखकर लग रहा है कि पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस का माहौल बनेगा। साथ ही मंच से किसी और नेता के नारे न लगाने पर करण दलाल बोले कि अच्छी बात है कि कांग्रेस मुख्यालय में आलाकमान के बड़े नेताओं के नारे लग रहे हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बस रूट का बदलाव पर भी करण दलाल ने कहा कि पहले फरीदाबाद से इसकी शुरुआत होनी थी कांग्रेस की बस यात्रा, लेकिन अब रूट को बढ़ा दिया गया। आज इतना कामकाज का समय जो आज कांग्रेस के इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और हमारे नेता यहाँ आए, विधायक आए, पूर्व विधायक आए, पार्टी के पदाधिकारी और सभी एक्टिव वर्कर आज यहाँ आया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल करेगी। का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका अगर ये फैसला है तो हमारे कार्यकर्ताओं को कोई इस बात के ऊपर इतराज नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा है, जो हमारा राज्य स्तरीय नेतृत्व है वो भी हमारा है, तो ये मिलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूकने के लिए जो एक नया अभियान आज शुरू किया गया है उसका हम सबसे स्वागत करते हैं। वो क्योंकि बहुत लंबा रूट बनाया गया था और कल की बैठक में फिर ये नए सिरे से फैसला हुआ कि क्यों ना सबसे पहले गुड़गावा से होकर के और हम तमाम हरियाणा में घूम करके उसके बाद जो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर अपनी इस बस यात्रा का समापन वहां पर करें, तो हम सब इस बात से कोई इतराज नहीं मानते हैं। और बहुत अच्छी बात है, अगर आखिर में फरीदाबाद पलवल आना है।